कॉलेज के बारे में बताओ। कॉलेज अच्छा है, काफ़ी अच्छा। कितने वाले हैं क्लास में? 140। और BCA में? BCA में 75 की। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और बाल दाढ़ी सब सेट हो गई है और आज हम आए हुए हैं केएन मोदी कॉलेज में। ये वहाँ दिखा देता हूँ मैं, वो खड़ी बाइक मेरी, उधर जाने का रास्ता है और ये छोटा रास्ता है बाइक। ये हमारा केएन माइट है जी, हमारा कॉलेज है ये। ये हमारी पार्किंग है जी। और ये अंदर कॉलेज दिखाया जाए। और बस जी, हाथ में क्या तुम्हारा? ये हाथ में जी वो है तमाकू। कैसे लगेगा यो? ये जी बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये यही चाहिए जीवन में। ये केएन माइट है, BBA, BCA और BTech तीनों कॉलेज के इधर से रास्ते हैं। और बी फार्मा, एम फार्मा और बायोटेक उसका रास्ता पीछे से उधर की तरफ। माई पर बोलते हैं, इसे माइट बोलते हैं। सामने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब आ चुके हैं हम कॉलेज के अंदर, ऑफिस है यहाँ का। ये मिस्टर पॉपी, कुछ बताना चाहोगे अपने कॉलेज के बारे में? बहुत तगड़ा। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, पहले क्लास वहाँ थी BCA की, BBA की, अब यहाँ अंदर जाके कर दी रास्ता। गणेश जी आ गए हमारे, यहीं पहले से ही हैं गणेश जी हमारे। इस वाली जगह को पता क्या बोल रहे थे हम? PMC, प्रेम मिलन चौराहा। चौराहा ये देख ले। यहाँ पे कपल बैठा करते थे, फिर बाद में पता है ना गमले रख देते बड़े बड़े दो, ताकि कोई बैठ ना सावे। पर बालक इतने आराम में थे, गमले तार के नीचे रख दिए, फिर भी यहीं बैठे थे। यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे BBA की बिल्डिंग थी, अभी यहाँ पे केएन मोदी ग्लोबल स्कूल कर दिया बच्चों को। अब वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड कैंटीन। ये बंद कर दिए गया, यहाँ फोटो स्टेट की दुकान है तो चलता है कुछ। अरे कैंटीन आ गए हैं मिस्टर पॉपी, दिख भी नहीं रहा कुछ इसमें लगा कर। यहाँ बैठे थे हम, यहाँ इस वाली सीट पर। उधर से अगर सीधा आएंगे इधर की तरफ तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है कॉलेज का। ये तीन खिड़कियाँ, यहाँ फीस जमा होती हैं, यहाँ रजिस्ट्रार वगैरह, और यहाँ पे ATM मशीन भी है अगर किसी को पैसे निकालने हो। इसके पीछे ग्राउंड है बहुत बड़ा खेलने वेलने का। और अभी पॉपी का एक दोस्त मिल गया, घर से सीधा उठ कर आया है और आते ही कहने लगा क्या लेक्चर है। उनका इसका लेक्चर है, क्योंकि मैं तो लैब का लेक्चर सोच के सोना आया था। और दूसरा लेक्चर ख़त्म हो गया बालकों का। हाँ भाई, भाई लेक्चर क्यों ना लिया तूने? हैं ये यहाँ का BBA BCA का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख लो भाई, HODs बैठते हैं यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ बाकी फैकल्टी है। सो गाइज, अभी हमें एक BBA का स्टूडेंट मिल गया अपनी गली का। मिस्टर उज्ज्वल, कुछ कॉलेज के बारे में बताओ। कॉलेज अच्छा है, काफ़ी अच्छा। कितने वाले हैं क्लास में? 140। और BCA में? BCA में 75 की। इतने बालक पढ़ा लें एक बार में ये हैं? एक ना पढ़ाए से। कुछ फीडबैक है? मतलब फीस कितनी है? फीस 28,000, 35,000, 35,000। ये BBA फर्स्ट ईयर में है फिलहाल और पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं तुम्हारा। तो तूने क्यों लिया यहाँ? बस BBA करनी थी। और भी तो कॉलेज थे, सस्ता यही था, अच्छा टिकाऊ यही है, ठीक है घूमने के लिए, ठीक है। क्या किलोमीटर में होगा टोटल? 3 बस, ज़्यादा नहीं। आते हैं इतनी दूर, फिर यहाँ से इधर उतनी दूर क्लास है। और कुछ कहना चाहोगे लास्ट
लास्ट उज्जवल चौधरी मिस्टर, हाँ टाइम पास करने के ले लो, वैसे ठीक नहीं। अगर यहाँ होती ना तुम्हारी क्लास बीबीए की तो बढ़िया रहती। क्यों? यहाँ एसी वैसी कमरे कैड है, ऊपर एसी हमारी क्लास में, ऊपर तुम्हारी में एसी है, इनकी में नहीं लग रहा। अरे पता चलाएंगे नहीं, चल नहीं रहे, चलाए ना, बहुत आराम है। बहुत दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे साथ, ना इंसाफी, ना इंसाफी, लड़ूंगा मैं जाके आज। इस साल 2021 के बैच में बीसीए में एडमिशन हुए 120 और बीबीए एडमिशन हुए 140। सीट फुल है बीबीए और बीसीए की यहाँ पे इस टाइम, और एडमिशन हो नहीं रहे हैं। बहुत ही रेयर चांसेज हैं कि एडमिशन हो जाएं। और बाकी सारा कॉलेज दिखा दिया है, और इस टाइम मैंने सर से बात करी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बैठ के, तो ये बता रहे थे कि बीटेक में करीबन इस साल 150 एडमिशन हुए हैं। बीटेक का रेट गिर गया है और बीसी और बीबीए में रेशो बढ़ गया है एडमिशन का। आई डोंट नो व्हाई, बट बीटेक लोग कम प्रीफर कर रहे हैं यहाँ से करना। और अभी काउंसलिंग रह रही है, काउंसलिंग से भी एडमिशन होते हैं यहाँ। जो पूर्वांचल के लोग बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे। और बता रहे ना, बी फार्मा, डी फार्मा और बीएससी बायोटेक होती है वो, तो सीधा के एन मोदी बाई पर है। और जैसे ऐसे अगर सीधा जाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे क्लासेज चलती हैं। जा रहे हैं हम, इधर ग्राउंड है, इधर बी फार्मा वगैरह का इनका यहाँ ग्राउंड है, इधर की साइड आगे जाके इधर मुड़ेंगे। पहले यहाँ पे भी कैंटीन बंद हो गई है, और यहाँ पे भी इतनी बड़ी पार्किंग है। इधर घुसते हैं, यहाँ पे एसी लग रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन होते हैं। और एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं कि अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपके पास बाइक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करीबन मेन रोड से अंदर आने के लिए 1.5 किलोमीटर है, फिर अंदर क्लास जाने के लिए 1.5 किलोमीटर रोड जाना पड़ेगा। रास्ता दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो। के एन मोदी फाइन आर्ट्स भी करवाता है, और फाइन आर्ट्स की क्लासेस इधर की साइड है, और फाइन आर्ट्स पे भी अच्छा, यहाँ का फाइन आर्ट्स सबसे बढ़िया है। अगर आपको फाइन आर्ट्स करनी है तो फाइन आर्ट 4 ईयर की होती है यहाँ। और कॉलेज दिखाता हूँ मैं, इधर से रास्ता है, इधर से सीधा जाके और इधर जाना पड़ता है लास्ट में फाइन आर्ट्स के लिए। ग्लोबल स्कूल भी कर दिया मैंने तुम्हें, दिखाई है फाइन आर्ट्स का, ये रास्ता है और इधर से ये एग्जिट है रोड जाने के लिए। और इधर से, इधर सामने देख लो, के एन मोदी और माइट जाने का रास्ता है, माई पर और माइट। सो गाइस, फाइनली बैक टू ऑफिस, और अब काम का हिल्ला स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं कॉलेज डिग्री की पूछने गया था अपनी कि मेरी डिग्री कब आएगी, और इस साल तो बीसीए बीबीए की सीट फुल है, और फीस भी बढ़ा दी है। मेरे टाइम पे 32 थी, अब 35 कर दी, काफ़ी साल भी हो गए। और बेसिकली बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें चेंज होती भी हैं। और इसके अलावा ड्रेस भी लगा दी है बीबीए बीसीए की, और कंपलसरी कर दी है लगानी। और जैसे लोग पहले आते जाते रहते थे, मतलब भीड़ भाड़ सी रहती थी, कुछ नहीं है, सब खाली तो दिखाया है तुम्हें मैंने, सारी रोड वोड भरी रहती थी, अब सब खाली पड़ा है, या तो एडमिशन नहीं हो रहे बी टेक में। बी सी बीबीए तो फुल है, फिर भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत कर दी हैं। और पहले का माहौल अच्छा था, अब थोड़ा मज़ा नहीं आया। आज गया था बहुत दिनों बाद, सर से भी मिला, सबसे मिला, फैकल्टी सारी पुरानी है, एक भी नई नहीं है, बिल्कुल जो मैं पढ़ाते थे अभी वही पढ़ा रहे हैं, यानी फैकल्टी चेंज नहीं हुई है। इसके अलावा तो कुछ नहीं, अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ गुड डे।